नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आपने तो सारे वेद उपनिषद पढ़ लिए। बोले हाँ पढ़ लिए। तो बोले जितने वेद उपनिषद ग्रंथ पुराण इतने सब कुछ है, इन सब में कोई एक ऐसा श्लोक बताइए सबसे महत्वपूर्ण, जिसको सुनने से, जिसको जिसका जाप करने से भगवत प्राप्ति हो जाए। नारद जी पूछते हैं, ब्रह्मा जी थोड़ा सोचते हैं, फिर सोच कर कहते ठीक है लिखो। ऐसा श्लोक है, एक ऐसा स्तोत्र जिसको इसका नाम जप करने से भगवान मिल जाए। यहाँ किस किस को भगवान चाहिए हाथ उठाना, तो आप भी लिख लीजिए, फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि भाई फिर ये याद रहे ना रहे, श्लोक है ना थोड़ा कठिन होता है ना, तो लिख लीजिए रिकॉर्ड कर लीजिए जो करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं ध्यान से सुनना, बड़ा कठिन है। नारद जी कहते हैं अच्छा कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे राम हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब यहां आधे से ज्यादा उनके चेहरे बता रहे कि क्या मजाक था ये, अभी तो कहा इतना कठिन है श्लोक है ये है और ये इतना साधारण लगन, आपको भी मन में सोचा होगा आपने। नारद जी ने भी कहा इतना सरल, अरे कोई वो तो कठिन होगा भगवान को प्राप्त करना, इतनी आसानी से भगवान मिल जाएंगे क्या। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी ही आसानी से भगवान, तो बोले ये तो कोई भी कर सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है, सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है ये सरल है ये आसान है या ये बड़ा नहीं है। बोले हाँ, बोले इसमें भगवान का नाम है, इससे बड़ा तो कोई श्लोक नहीं है, कोई स्त्रोत्र नहीं है, कोई वेद उपनिषद नहीं है इस नाम से बड़ा। विचार करिए ये राम नाम, यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए और यही नाम हम और आपको मिला है, और अब हम में उनमें ये कोई बराबरी है क्या बताइए। महादेव जी और हम में ये कोई बराबरी की बात है, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है, पर नाम उनको भी वही मिला है और नाम हमको भी वही मिला है। कहा जाता है कि आप किसके साथ हैं वो आपको, आपकी व्याख्या अगर कोई करेगा तो आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसी नजरिए से करेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बात लिखी है कि तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बता दूं। यानी तुम कैसी संगत में रहते हो वो तुम्हारे स्वभाव को बता देती है, कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है तुम्हारी संगत बता देगी। तो अगर बड़ा होना है तो बड़ा कैसे होते हैं, देखिए भगवान के साथ जब रिश्ता जुड़ जाता है व्यक्ति बड़ा कैसे हो जाता है। बामन अवतार सबने सुना है भगवान का, सुना है कि नहीं, दर्शन कल होंगे लेकिन सुना सबने होगा। तो बामन अवतार में भगवान का रूप भी हमको पता है, भगवान ने धोती पहनी है, एक हाथ में दंड है लकड़ी का, भिक्षा पात्र है। तो वो जो दंड था लकड़ी का, भगवान ने जब अपना आकार बढ़ाया था तो भगवान ब्रह्मांड तक गए थे, कहां तक, तो वो लकड़ी का दंड भी ब्रह्मांड तक गया था। अब लकड़ी के दंड में ऐसी क्या बड़ी बात है कि वो ब्रह्मांड तक पहुंचे, है कोई बड़ी बात, पर वो हाथ में किसके है, मायने ये रखता है। कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होते हैं, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बढ़ोगे, कि बड़ सैया बड़ होते हैं ज्यों वामन बुझ दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मांड। वो एक साधारण सा लकड़ी का दंड ब्रह्मांड तक पहुंच गया, क्योंकि वो हाथ में किसके था, वो भगवान के हाथ में था। तो भगवान से एक बार रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो अपने आप व्यक्ति विशेष हो जाता है, फिर वो साधारण नहीं रहता। इसलिए जरूरी नहीं भगवान को प्राप्त करने के लिए संस्कृत के श्लोक बोलने पड़ेंगे,
भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम जप करना, इस नाम से बड़ा कोई श्लोक नहीं है।